स्वागत करते हूँ आप सबको फिर से मिस्टर टिकी 2.0 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम तीन बेहतरीन कीपैड फोन्स दिखने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि फाइव फोन्स क्यों नहीं, टिपिकली हम वीडियोस में देखते हैं, इस तरह के वीडियोस में देखते हैं फाइव बेस्ट फोन्स अंडर 15K या फिर 10K, तो इस वीडियो में सिर्फ तीन फोन्स क्यों। तो बात ऐसी है कि 4G कीपैड फोन ज़्यादा नहीं है और दो फोन्स अगर मैं ऐड कर दूं तो इसमें आपका ही घाटा होगा ना कि मेरा, क्योंकि दो कमज़ोर फोन्स को मैं ऐड कर दूंगा अगर आप चाहो तो। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ तीन फोन्स की रिव्यू क्यों मैं करने वाला हूं, तो शायद आप लोग समझ चुके हो इसमें आपका ही घाटा होगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ तीन बेहतरीन कीपैड फोन्स की रिव्यू करने वाला हूं, नंबर्स को ना देख के, क्योंकि इसमें आपका ही भलाई है और आपकी बुराई मैं नहीं चाहता। और नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, वहां पे जरूर क्लिक कर देना। फोन्स को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों तीनों ही फोन्स 4G है तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली एयरटेल, वोडाफोन, जियो, BSNL सभी सिम कार्ड्स इजीली 4G में यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं फ़ोन की लिस्ट की ओर। तो इस लिस्ट के सबसे पहला फ़ोन है आईटेल मैजिक 2 4G। अब इस फ़ोन के स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर लगा है यूनी SoC T117 प्रोसेसर, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है इस टाइप की फोन्स के लिए। ज़्यादातर 4G कीपैड फोन्स के अंदर आपको यही प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोस्तों देखिए कीपैड फोन्स के अंदर किस टाइप के प्रोसेसर दिया गया है उसमें ज़्यादा ध्यान ना दो तो ही सही है, क्योंकि मैटर नहीं करता है। वैसे के लिए हम कीपैड फोन्स के अंदर थोड़ी ना फ्री फायर या फिर पबजी खेल पाएंगे। कीपैड फोन्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर इमरजेंसी में हम कीपैड फोन्स को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेक्स की ओर। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फोन के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। इस फोन के अंदर इंटरनल मेमोरी है जो आपको मिल जाएगा 128 MB एंड रैम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा 64 MB की। स्टोरेज के बारे में अगर और भी बात करें तो इसमें आपको और भी एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड यानी कि SD कार्ड लगा सकते हो 64 GB तक, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा TFT डिस्प्ले एंड आपको मिल जाएगा 240x320 पिक्सल्स। वैसे माफ कर देना क्योंकि वो बाइक जा रहा था और नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा 240x320 पिक्सल्स, यानी कि आपको रेशियो ये देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मतलब बहुत ही ठीक है। बात करें अगर कैमरा एंड बैटरी की, तो सबसे पहले आते हैं कैमरे की तरफ। तो पीछे की तरफ आपको 1.3 MP का कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ में LED पीछे की तरफ आपको फ्लैश देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात करें बैटरी की, तो कमाल की बैटरी सेटअप इसमें दिया गया है। 1900 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो नॉर्मल यानी कि अगर आप फोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो वो फ़ोन 576 आवर्स तक लंबा चल सकता है, यानी कि बहुत ही लंबा ये फ़ोन चल सकता है। तो शायद इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल जाएगा अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो। और आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी यानी कि नेटवर्क की तरफ। दोस्तों ये फ़ोन 4G 3G 2G एंड वोल्टेज सपोर्ट करता है एंड साथ में हॉटस्पॉट भी सपोर्ट करता है। तो ये रहा इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस। और इस फ़ोन की प्राइस की अगर बात करें तो ज़्यादा इस फ़ोन की प्राइस नहीं है, ओनली 2399। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। सेकंड फोन है नोकिया 110 4G। दोस्तों इस फोन के अंदर लगाया गया है यूनी SoC 107 प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा 48 MB एंड आपको रैम ज़्यादा मिल जाएगा इस फोन के अंदर। 128 GB की रैम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात करें एक्सपेंडेबल मेमोरी यानी कि SD कार्ड की, तो इसमें आप 32 GB तक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बात करें डिस्प्ले की, तो आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा एंड 120x160 पिक्सल्स के आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन डिस्प्ले की एक खास फीचर यह है कि आपको 65K कलर्स आपको उसी डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसी प्राइस रेंज के अंदर। अगर बात करें कैमरा एंड बैटरी की, तो कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा 0.8 MP का एंड बैटरी आपको मिल जाएगा 1020 mAh की। और अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो इस फोन के अंदर सिर्फ एक फीचर की कमी है, वो है हॉटस्पॉट। इस फोन के अंदर आपको हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा, लेकिन इस फोन के अंदर भी आपको वोल्टेज सपोर्टेड देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ में 4G 3G एंड 2G। गाइस इस फोन की प्राइस है 2899। लास्ट फोन यानी कि नंबर 3 फोन है नोकिया 215 यानी कि नोकिया 215। गाइस इस फोन के अंदर लगाया गया है यूनी SoC UMS 9117 प्रोसेसर। और अगर बात करें रैम की, तो 64 MB की रैम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात करें रोम यानी कि मेमोरी की, तो आपको मिल जाएगा 128 MB। इस फोन में आप 32 GB तक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। एंड अगर बात करें डिस्प्ले की, तो आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ में 240x320 पिक्सल्स आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बैटरी एंड कैमरा के बारे में। तो इसमें आपको
आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा 1150 यानी कि 1150 mAh की बैटरी। एंड इस फोन में कोई भी कैमरा नहीं दिया गया है। और अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो इस फोन में आपको ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाएगा एंड साथ में आपको 4G 3G 2G एंड वोल्टी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इस फोन के अंदर भी हॉटस्पॉट नहीं है। इस फोन की प्राइस है 3099। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तीन फोन्स को देखा है कि आखिर किस तरह की फीचर्स हमें मिल सकता है, यही तीन बेहतरीन 4G कीपैड फोन्स के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।